वीडियो चैप्टर 13 का आखिरी हिस्सा है जिसमें हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिकल पावर और किरचॉफ्स लॉज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझने के लिए हम देखते हैं कि कंडक्टर के अंदर से करंट किस तरह फ्लो करता है। हमारे पास एक सोर्स होता है जो हाई पोटेंशियल के ऊपर होता है और एक सिंक होता है जो लो पोटेंशियल के ऊपर होता है। सोर्स के साथ एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएटेड है और सिंक के साथ एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएटेड है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझने के लिए हमें यह देखना है कि सोर्स क्या काम कर रहा है। सोर्स के लिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक जमीन के ऊपर बॉल्स पड़े हुए हैं और एक टेबल है। बॉल को सोर्स उठा के जमीन से टेबल के ऊपर रखता है, उसके ऊपर वर्क परफॉर्म करता है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है। और सोर्स से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं तो वो ऐसे ही होता है जैसे इस बॉल को आप इस टेबल से नीचे फेंकें, टेबल से आप इसको हटा दें या इसके नीचे से टेबल हटा दें तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ये खुद ब खुद नीचे आता है, वो उसके बराबर होता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के ऊपर खुद ब खुद सफर करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा करंट फ्लो करा होता है और ये जो बॉल्स को उठा के ऊपर रखने का प्रोसेस है ये हमारा सोर्स के अंदर हो रहा होता है। अब सोर्स के केस में क्या होता है, बॉल्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल, लो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर सोर्स के अंदर आते हैं। हर चीज इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के रेफरेंस से देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या यूनिट्स हैं, जाउल्स। लो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ रहे हैं, फर्स्ट करें 2 जाउल्स पर कूलम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसके सोर्स के अंदर एंटर होता है। सोर्स क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है, 2 जाउल्स से उसको ले आता है 5 जाउल्स पर कूलम के ऊपर। और फिर जब सोर्स से निकलता है कोई इलेक्ट्रॉन तो वो उसके अंदर 5 जाउल्स होते हैं पर कूलम। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें ये बताता है कि ये सोर्स जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा उसको उठा के उसका पोटेंशियल, उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ाएगा, कितनी एनर्जी उसको देगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है एनर्जी ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स बाय द सोर्स सिंपली, यानी सोर्स कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। और इसके यूनिट्स हैं जाउल्स पर कूलम। जाउल्स पर कूलम और किस चीज के यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के यूनिट्स भी जाउल्स पर कूलम है। सोर्स और सिंक के साथ एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एसोसिएटेड है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें ये बता रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकलते हैं तो उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। और दूसरी चीज जिसके साथ इसको कंफ्यूज किया जा सकता है मगर हम नहीं कंफ्यूज करना चाहते, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। सोर्स और सिंक का, दोनों का एक पोटेंशियल है V1 और V2। इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2 उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। और इस डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो सोर्स और सिंक के दरमियान तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस सोर्स के साथ एसोसिएटेड एक चीज है, मेरे पास एक इंडिपेंडेंट चीज है। अगर मैं इसको किसी सर्किट के साथ ना भी लगाऊं, मेरे पास अगर एक बैटरी है तो उसका एक EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा जो मुझे बताएगा कि अगर इस बैटरी के साथ मैं सर्किट कनेक्ट करूं तो इसके सोर्स से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनका पोटेंशियल 5 जाउल्स पर कूलम होगा। तो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैटरी के साथ एसोसिएटेड होता है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होने के लिए हमें पास पूरा सर्किट होने की जरूरत नहीं है। सिंपली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिर्फ ये है कि कितनी एनर्जी ये सोर्स ट्रांसफर करेगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सोर्स और सिंक के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। हमने जो बॉल्स वाली एनालॉजी देखी, एग्जाम्पल देखी जिसमें सोर्स ये काम कर रहा था कि वो बॉल जमीन पर पड़े हुए और उनको उठा के टेबल के ऊपर रख रहा है और ऐसा करते हुए बॉल्स के ऊपर वर्क परफॉर्म करता है जो उन बॉल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर कर रहा होता है, यानी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है बॉल्स में। ये एनर्जी किस रेट पे ट्रांसफर हो रही है, पावर होता है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो सोर्स किस रेट के ऊपर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, जो हमारी एग्जाम्पल थी जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सोर्स था, कंडक्टर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें और सिंक है। सोर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लो एनर्जी उनकी होती है और सोर्स उनके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करता है, उनकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देता है। ये किस रेट के ऊपर करता है, पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं चार्ज के अंदर, ये बताता है हमें उस सोर्स की इलेक्ट्रिकल पावर। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमें जरूरत है पावर को, अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें तो वर्क, जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी ट्रांसफर होगी पर यूनिट टाइम। वर्क किसके बराबर होगा, वर्क
हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे जो होता है वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो अगर हम पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वर्क आ जाएगा. सोर्स के केस में हम किस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो, यानी ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसके ऊपर सोर्स इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकलते हैं तो जो उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हम उसकी बात करें. वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम चार्ज के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क. हम लिख देते हैं चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टाइम. अब इसमें हम एक और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ पर चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज किस रेट पे ट्रांसफर हो रहा है ये हमारे पास आ रहा है, और हमें पता है कि ये बराबर होता है करंट के. करंट चार्ज किस रेट पे ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होता है. तो अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं चार्ज से आए टाइम्स पोटेंशियल, आ गया हमारे पास पावर. तो फिर यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो जो उसका पोटेंशियल होता है वो हमारा पोटेंशियल है. करंट जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर में से वो करंट है. करंट को अगर हम वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा कि सोर्स किस रेट के ऊपर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर. और हम ओहम्स लॉ से इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ओहम्स लॉ होता है वी इज इक्वल टू आई आर. तो मैं वी की वैल्यू आई आर पुट कर दूं तो मेरे पास पावर आ जाएगी आई स्क्वायर आर. और अगर मैं आई की वैल्यू पुट कर दूं वी ओवर आर तो मेरे पास पावर आ जाएगी वी स्क्वायर ओवर आर. तो इस तरह मैं, अगर मैं मुझे वोल्टेज ना पता हो तो भी मैं पावर कैलकुलेट कर सकती हूँ, अगर मुझे करंट ना पता हो तो भी मैं पावर कैलकुलेट कर सकती हूँ. हम दोबारा से अपना मॉडल कंसिडर करते हैं जिसको हम हर स्लाइड में देख रहे हैं अभी तक. एक सोर्स है, एक कंडक्टर है और एक सिंक है. हम देखना चाहते हैं कि ये सोर्स हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट कब देगा. इसके लिए हम पावर का क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू आई वी. वी क्या है, वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जब सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो V है, और वो बराबर होता है सोर्स के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं उसके. तो पावर को मैं I टाइम्स E के बराबर भी लिख सकती हूँ. और हम ओहम्स लॉ से सिंप्लीफाई करके जो मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो बराबर है आई आर के, जो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में और जो इसकी रेजिस्टेंस है. तो फिर मैं इसको आई स्क्वायर आर लिख देती हूँ. ये मेरे पास पावर होगी. अब मैं देखना चाहती हूँ कि टोटल करंट मेरा कितना फ्लो करता है. अब ये आपको याद रखना है कि ये जो पावर है ये इस सर्किट के अंदर पावर है. और अब मैं करंट, इसलिए इसमें जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ इस सर्किट की रेजिस्टेंस है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान है. अब मैं करंट फ्लो देखना चाहती हूँ सोर्स से सिंक के दरमियान करंट कितना फ्लो कर रहा है. सोर्स कितना हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ई, उसका पोटेंशियल ई है. मगर सोर्स के अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है. सिर्फ वो रेजिस्टेंस नहीं होती जो इस वायर की रेजिस्टेंस है, सोर्स के अपने अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होती है. और जो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कुछ उसका हिस्सा उस इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में इस्तेमाल हो जाता है. हम इसकी अगर डायग्राम बनाएं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के आगे एक छोटी सी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, और फिर बाहर वायर है जिसकी एक रेजिस्टेंस है, और फिर हमारा सिंक है. तो अगर हम करंट फाइंड करना चाहते हैं इस सोर्स से जो करंट निकल रहा है वो कितना है, तो हमें इन दोनों रेजिस्टेंसेस को कंसिडर करना होगा. इंटरनल रेजिस्टेंस को हम छोटा आर कह देते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर कह देते हैं. तो करंट हमारा बराबर होगा ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर के. और ये वाली करंट की इक्वेशन मैं इस पावर की इक्वेशन में पुट करूंगी. पावर के केस में हम आई स्क्वायर आर लिख रहे हैं, इसके लिए हम आर के साथ छोटा आर नहीं लिख रहे, इसलिए क्योंकि हम पावर इस देख रहे हैं कि पावर इस सर्किट में कितनी ट्रांसफर हो रही है. तो अब मैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके लिख देती हूँ, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, और एक ये वाला आर आ जाएगा मेरे पास इसके साथ. इसको मैं इस ये जो डिनोमिनेटर है कि भी स्क्वायर्ड है, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ. ये सिर्फ मैथ्स है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस फोर आर छोटा आर. इसको अगर आप स्क्वायर को खोलें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाले फॉर्मूले से, तो आपके पास वापस ये चीज़ आ जाएगी.
तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स है। इसको लिखने का मकसद ये है कि हम मैक्सिमम पावर आउटपुट कैलकुलेट करें इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन मैक्सिमम वैल्यू कब देगी? जब डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। डिनोमिनेटर छोटा करने के लिए हम 4RR को कुछ नहीं कर सकते। हम इस फैक्टर को कैसे छोटा कर सकते हैं? अगर छोटा R कैपिटल R के बराबर होगा तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर हमें सर्किट तब देता है जब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होती है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने उसके साथ कैलकुलेट लगाई भी होती है उसके। इस केस में हमारे उस मैक्सिमम पावर आउटपुट आती है और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम रेजिस्टेंस को मैच करें, एक्सटर्नल जो लोड रेजिस्टेंस है उसको मैच करें सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस के। किरचॉफ्स लॉ दो लॉज हैं जो हमें सर्किट एनालिसिस में मदद देते हैं। रियल लाइफ में हमारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, हम उनको सिंप्लीफाई करके उनको एनालाइज करना चाहते हैं। फर्स्ट लॉ इसका ये है कि जितना करंट एक पॉइंट के ऊपर, एक सर्किट में एक पॉइंट लें तो जितना करंट इस पॉइंट के अंदर आ रहा है उतना ही करंट इस पॉइंट में से बाहर जा रहा होगा। अगर इन दो पाथ्स में से करंट एंटर हो रहा है तो उतना ही करंट इन दो पाथ्स में से बाहर निकलेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है इन तीन पाथ्स में से करंट एंटर हो रहा हो फिर इन तीन करंट का जो सम है वो चौथे वाले पाथ में से उतना ही करंट बाहर निकलना चाहिए, तब जाके इन सब करंट्स का सम जीरो होगा। करंट का सम किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जीरो होता है। ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। दूसरा किरचॉफ का लॉ है कि एक सर्किट के अंदर टोटल जितने वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं वो उन सब का सम जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि अब बैटरी क्या करती है, एक खास पोटेंशियल, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर उसके अंदर एक खास एनर्जी होती है, वो एनर्जी बीच में ड्रॉप होती है, उसको हम पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। इस रेजिस्टेंस से जब वो इलेक्ट्रॉन गुजरेगा उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा एनर्जी और कम हो गई, और आखिरी रेजिस्टेंस में से गुजरेगा एनर्जी और कम हो गई, आखिर में उसकी एनर्जी जीरो हो जानी चाहिए। ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ है।